आप लोगों का वीडियो क्यों वायरल हो जाता है? अरे क्या बोले हम, क्या बोले हम, एक वीडियो वायरल हुआ था, फोटो वायरल हुआ था, आप नहीं देखे? हाँ, तो मैं नहीं चर्चा करना चाहूंगी। ठीक है, अच्छा इतना विवादों में क्यों रहती हैं आप? अब मतलब आप बंगाल जाने का मन नहीं करता है? नहीं, वो वीडियो को अलग तरीके से पेश कर सकते थे, प्रेशर आउट करके तो हम आप मेरे से कुछ बोलवा भी नहीं सकते ना, बुलवाना ही नहीं चाहते जो है गलत हो गई। मैं क्या बोली, गलत हो गई, मैं क्या बोली, ये सोचने का थॉट है, मतलब चाहते हैं कि विवाद में रहे। विवाद में रहना एक्टर एक्ट्रेस लोग पसंद करते हैं या विवाद हो जाता है? विवाद में रहने के बाद ज्यादा नाम और ख्याति मिलती है कि उसके पहले मिलती है? ऐसा नहीं है कि विवाद के बाद मिला या विवाद के पहले। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु हैं, काफी विवादों में भी रही हैं, अब अपने करियर को और अच्छा बनाने का ये प्रयास कर रही हैं, बहुत सारी जगह जाती हैं, बहुत सारे स्टेज शो करती हैं, कार्यक्रम करती हैं और गाना भी शूट करती हैं, तमाम बात विवाद के बाद अब अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने में लगी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल है कि बंगाल से आकर जो है और बिहार की इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री में ये अच्छा नाम कमा रही हैं, सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि क्या जो है कलकत्ता और बंगाल में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर बंगाल की बेटियां अच्छा कर सके और अपना नाम कमा सके? त्रिशाकर मधु बहुत चर्चित नाम है, काफी विवाद और काफी चर्चाओं के बीच में जो है इनका आदान प्रदान होता रहता है। स्वागत है आपका। थैंक यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने इंटरव्यू लेने मेरे पास आए, और इस चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारा। त्रिशाकर जी ये बताइए, बंगाल से आप हैं, बंगाल से बिहार में आने का क्या मतलब रहा? बंगाल बिहार बहुत दूर थोड़ी है। हाँ। क्यों, यहाँ पे बहुत बंगाली रहता है। हाँ। बिहार में, यूपी में बहुत और रहते हैं, तो त्रिशाकर मधु को ही लोग इतना प्रेम क्यों करने लग गए? और हम काम करने लगे, कहीं ना कहीं शायद मेरा काम सबको अच्छा लगा, तभी शायद प्यार मिलने लगा, और हम और ज्यादा दिन रहते रहते हमको लगा कि अब यहीं पे काम करना चाहिए। यहीं पर काम करना चाहिए, मतलब आप बंगाल जाने का मन नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल बंगाल जाती हूँ, मेरा वहाँ पे घर है, होम टाउन है, वहाँ पे बर्थ प्लेस है मेरा। हाँ। वहाँ क्यों नहीं जाऊंगी, वहाँ भी जाती हूँ, यहाँ भी रहती हूँ, और आर्टिस्ट का जीवन ऐसा होता है जहाँ काम होता है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो शुरू से क्या बनना चाहती थी त्रिशाकर मधु? एक्ट्रेस। अच्छा, इतना विवादों में क्यों रहती हैं आप? अब क्या बोले, अब चिकन बिरयानी ज्यादा खाने से अच्छा भी नहीं होता है, और कम खाएंगे तो मन भी नहीं भरेगा, मतलब तो, चाहती है कि विवाद में रहे, ज्यादा ना रहे, कम थोड़ा बहुत। देखिए, मैं हम विवाद में नहीं रहना चाहते, हमारा बोलने का मतलब अब समझे ही नहीं इसका मतलब। अब अच्छा चीजों को तो सब लोग अगर अच्छा ही बोलेंगे तो फिर बुरा कौन बोलेगा? आप मेरे लिए अच्छे हो सकते, दूसरे के लिए अच्छे होंगे, इसका कोई गारंटी है? अच्छा, आप इंडस्ट्री में किसके लिए अच्छी है, किसके लिए बुरी है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मैं अपने लिए बहुत अच्छी हूँ, बस। कौन कौन लोगों से ज्यादा प्रेम मिल रहा है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में देखिए, जो मुझे मुझे जानते हैं, और मैं किस, जो मेरा काम को जानते हैं, मैं किस तरीके से काम, और सही में जो काम करवाना जानते हैं, वही मुझे पहचान पाते हैं। इन्होंने भी अच्छा करने का प्रयास किया, कुछ चीजें गलत हुई, लेकिन हाँ, हालांकि इन्होंने अपने आप को ट्रैक पर लाने का प्रयास किया और फिर से अब उसी दिशा में बह रही है और चल रही है जिस दिशा में इनको सच में बहना चाहिए। अब अच्छा लग रहा है काम करने में? मुझे हमेशा अच्छा लगता था काम करने में। हाँ। और मैं हमेशा काम करना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं कभी रुकी हूँ। देखिए, आप जब अच्छा काम कीजिएगा या अच्छा रास्ते पे चलने लगिएगा, बहुत लोग हैं, आपके न्यूज लाइन में भी होगा कि आपका व्यूअर्स अगर ज्यादा जात रहे हैं तो कुछ लोग और रिपोर्ट मारेंगे, आपका टांग खींचेंगे, तो जब आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सबके साथ होता है। आपके भी कंपटीटर हैं क्या? मेरा कंपटीटर, मुझे, मैं किसी को कंपटीटर नहीं मानती हूँ, मैं किसी का कंपटीटर नहीं हूँ। हाँ, शायद कोई मेरा कंपटीटर अपने आप को मानता होगा, मैं नहीं मानती हूँ अपने आप को किसी का कंपटीटर, क्योंकि मेरा काम करने का अंदाज अलग है, मैं अलग तरीके से काम करती हूँ, और मैं सेट पे अलग तरीके से रहती हूँ, और जो मेरे साथ काम किए हैं वो लोग बोल पाएंगे, क्योंकि मैं जब काम करने आती हूँ तो मैं काम ही करती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि हमारे मम्मी को भी फोन करना जरूरी था, क्योंकि हम दूर रहते हैं तो घर वाले से संपर्क करना जरूरी है, और हम जब तक काम नहीं करते तब तक लगता है कि अभी नहीं खाएंगे, थोड़ा देर बाद खाएंगे, और आप शूट पे देख भी रहे हैं कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है लोगों का। अच्छा, ये बताइए, इंडस्ट्री में अभी आपका अच्छा खासा नाम हो गया है,
बहुत सारा नाम कमा भी रहे हो, मुझे पता है आपका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा है और उसी प्रतिभा को दिखाने का आप प्रयास करती हैं। इस पुरुष प्रधान देश में कोई कमेंट वमेंट नहीं पास करता, त्रिशंकर ऐसी थी, त्रिशंकर वैसी थी, त्रिशंकर ये कर रही है, त्रिशंकर वो करेगी। एक एक बात आपको टॉपिक रोकना चाहूंगी, पहले तो आप जैसे बोल रहे पुरुष प्रधान देश है, इस सोच को तो निकालना है। नहीं नहीं, हमारा देश पुरुष प्रधान है, कुछ नहीं, कोई प्रधान नहीं है, ये गणतांत्रिक देश है, ये जनता के भित्तिक से चलता है, कोई पुरुष प्रधान देश नहीं है। कौन बोल दिया है एक, अच्छा पुरुष प्रधान देश है तो कहे घर का मतलब रोटी चौकी बेलना ये सब पुरुष क्यों नहीं चला लेता? मेरा सवाल आप समझने का प्रयास कीजिए, कोई कमेंट वमेंट नहीं। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपका सवाल मैं समझ गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ, कोई पुरुष प्रधान देश नहीं है, ये सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम अगर बोले कि ये बेटी प्रधान देश है तो एक माँ के सिवा तो पूरा दुनिया नहीं, आपका आप कहाँ से, हम कहाँ से, एक माँ के सिवा तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये तो माँ के ऊपर डिपेंड, हम धरती माता के ऊपर पुरुष प्रधान देश हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग इक्वल हैं और जैसे जितना पुरुष का जरूरत है उतना महिला का भी जरूरत है। विवाद में रहना एक्टर एक्ट्रेस लोग पसंद करते हैं या विवाद हो जाता है? शायद विवाद हो जाता है और कुछ लोग पसंद भी करते हैं, मैं नहीं पसंद, मेरा स्पेशली यही कहना है, मैं विवाद में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं, मुझे नहीं पता, मुझे लड़ाई झगड़ा एकदम अच्छा नहीं लगता है और मैं बहुत अलग स्वभाव की हूँ, मुझे जो मानना है। अच्छा, लोगों के लिए है कि नहीं ये नहीं पता। एक मेरा और सवाल है, विवाद में रहने के बाद ज्यादा नाम और ख्याति मिलती है कि उसके पहले मिलती है? ये तो या विवाद हो जाए, जैसे मान लीजिए आप त्रिशंकर मधु हैं, आज आपने शुरुआत किया, एक साल हो गया आपको काम करते हुए, आज ज्यादा नाम आपको मिल रहा है या आज कल? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज आप काम कर रही है एक साल से, मान लीजिए काम कर रही है, आज आपके साथ विवाद हो गया, आज आप चर्चा का विषय बन गए विवादों की वजह से, तो इससे पहले ज्यादा नाम मिला था या विवाद के बाद नाम मिला? देखिए ये सोचने का थॉट है, ऐसा नहीं है कि विवाद के बाद मिला या विवाद के पहले। हम जिस टाइम काम कर रहे थे उस टाइम भी हमको लोग जान रहे थे और उस टाइम भी उतना ही काम कर रहे थे और इस टाइम भी उतना ही काम कर रहे हैं। बस यही है, कुछ लोगों का आंखों में अभी पर्दा डाले हुए हैं और उस टाइम नहीं था। उस टाइम मधु सबके लिए अच्छी थी, इस टाइम शायद लोगों का थोड़ा सा थॉट और शायद ही बोलेंगे काहे मधु आज सबके नजर में जो है गलत हो गई। मैं क्या बोली, सोचने का थॉट है। आप एक रास्ते चलते एक कोई क्रॉप टॉप पहन के लड़की जाएंगे तो आप गलत निगाहों से भी देख सकते हैं और ये उसको फैशन भी देख सकते हैं। आप रास्ते चलते अगर रोड से लड़की जाए क्रॉप टॉप पहन के तो लड़के छिछोरापंती करते हैं और वही एक्ट्रेस अगर आपके साथ भी होता है क्या? मेरा बात सुनिए पूरा, वही एक्ट्रेस अगर क्रॉप टॉप पहन के एक्टिंग करे, वाह कितना अच्छा गाना लग रहा है, अरे मॉडल तो कितना अच्छी लग रही है। तो ये सोचने का विचार है ना, आप जैसा सोचिएगा। ये क्रॉप टॉप जो आपने एग्जांपल दिया ये आपके साथ भी होता है क्या? ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होता है ऐसा होता है। आपके साथ हुआ है क्या? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन अक्सर ऐसे रोड चलते बहुत। अच्छा बताइए बच्चे लोगों का क्या गलती रहता है कि लड़के लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं? और मैंने तो ये बहुत, देखिए हाथ के पांचों उंगली बराबर नहीं होते हैं कभी। और अगर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी, मैं इतना बस बोलूंगी कि आप एक उंगली अगर किसी और की तरफ दिखाते ना बाकी के चारों उंगली अपने तरफ रहते। चलिए बॉलीवुड की तरफ आपको खींच के लेके चलते, आमिर खान की बेटी का एक वीडियो वायरल हुआ था, फोटो वायरल हुआ था। नहीं देखी। आप नहीं देखी? हाँ, तो मैं नहीं चर्चा करना चाहूंगी। ठीक है, मत की, ठीक है वो छोड़ देते हैं। अच्छा ये बताइए त्रिशंकर मधु जी, लोग जो है आपको बुलाते हैं, आपसे डांस करवाते हैं, आप तमाम इंडस्ट्री में तमाम लोगों के साथ काम करती हैं, जो है आपके पास साथ एक विवाद हुआ, उसके बाद कितने लोग आपके साथ, बड़े स्टार कितने लोग काम किए? बड़े स्टार छोटे स्टार कभी नहीं होता है और मैं ऐसा कभी तो नहीं बोला कि मैं बड़े स्टार के साथ ही काम करूंगी। ना ना मैंने नहीं बोल रहा हूँ, आप कितने और लोगों के साथ काम की? जो बुलाए मैं उनके साथ काम किया हूँ। और ये अभी तक किसके साथ कर चुकी हैं? अभी शिल्पी राज क्यों बड़े सिंगर नहीं है वो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उनका बहुत सारा गाना, इधर तो मेरा पत्थर पत्थर पिया वो वाला गाना इतना ट्रेंड किया, फिर चंदन चंचल जी के साथ, और अभी मेरा चंदन चंचल जी खुद भी बाद में थे इतना ढोड़ी चटना वाले पे। अच्छा ऐसे गानों का सहयोग होना चाहिए, नहीं आप महिला हैं। देखिए मैं ढोड़ी छीलदा ढोड़ी चाटला, आप महिला हैं, महिलाओं के ऊपर के ढोड़ी के ऊपर ही गाना क्यों बनता है? एक बात बताओ, अभी आप लोग ढोड़ी चटना और ढोड़ी छील दो लेके इतना भी बात करते हैं, कौन सा तो गाना था मुझे तो याद हो नहीं है, शायद खेसारी लाल यादव जी के था,
कौन सा तुम्हारा आ से लेकर ज्ञान तक कोई भी इस तरीके का मेरा एक सवाल है, आप महिला ही इसलिए मैं सुनिए मेरा बात मेरा एक सवाल सुन लीजिए। तो मेरे से ये सवाल तो मत ही पूछिए क्योंकि इस टाइप का गाना तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आपका सवाल का जवाब मैं इसलिए दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ। और आप जो है बिहार को और भोजपुरी को प्रेजेंट कर रही है, मेरा बात सुनिए, बोल दीजिए फिर हम पूछेंगे। क्यों देख रहे हैं वो लोग, मैं हमेशा भी बात करती हूँ, आप मेरा इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, क्यों देख रहे हैं वो लोग जब अगर गाना गंदा ही है तो रिपोर्ट मार के बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं, देखी क्यों रहे हैं। और मेरे पास गाना आता है, मैं एज एक्ट्रेस कभी वो गाना नहीं करूंगी। और इनफैक्ट मैं बताती हूँ, अगर आपका चंदन चंचल जी के साथ मुलाकात होती है, अभी उनका एक गाना और आ रहा है वो ही ढोड़ी के ऊपर, ठीक है, तो मेरे पास वो गाना आया पहला दिन, ठीक है, मैंने तुरंत आया था, हाँ मैं तुरंत उनको मैसेज किया, एक ही शब्द लिखा, नो नहीं कर पाएंगे। समाज हित के लिए, महिला हित के लिए, लड़कियों हित के लिए एक सवाल है मेरा, जरूर लड़ना चाहिए। मेरा एक सवाल है लड़कियां हित के लिए, आप लोगों के लिए, महिला बेटी बच्चों के लिए, कि अक्सर महिला और बहन बेटियों के ढोड़ी के ऊपर गाना क्यों बनता है, पुरुष के ढोड़ी पर गाना क्यों नहीं बनता? ये उन्हीं लोगों को जाके पूछिए जो लोग गाना गाते हैं। क्यों विरोध नहीं करती? हम विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप देखे हैं कभी हम करना चाहिए आपको? अच्छा, हम सपोर्ट तभी करते ना जब हम उस गाने पे काम करते हैं। आप कैसे बोल रहे हैं हम विरोध नहीं करते? आप तो बोल दीजिए, एक बार बोलिए कि नहीं देखना ऐसे गानों का, विरोध होना चाहिए। कितना बार बोली हूं, हमारी ढोड़ी छीलने का प्रयास करे चाटने का? बोलने तो दीजिए, आप इतना चिल्ला दीजिएगा हमको, देखिए ठंडे के टाइम में हमको खुद गर्मी हो रहा है, आप नॉर्मल हो जाइए नहीं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा फिर। ठीक है बोलिए। तो क्या होता है ना, देखिए ये सब गाना बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और विवाद तो उस टाइम भी करना चाहिए, चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है। इसीलिए आमिर खान की बेटी के पास आपको ले जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आप कहीं नहीं जानते, देखिए इसलिए फिर भोजपुरी में आपको मैं देखी नहीं हूँ। विवाद तो उस टाइम भी होना चाहिए, जहाँ गलत लगे वहाँ विवाद होना चाहिए। ढोड़ी के चोली के पीछे क्या है उसका भी विरोध होना चाहिए, और ढोड़ी में अगर कोई बियर डाल है, अगर आप वो गाना कभी नहीं सुने है ना, आपके घर पे कभी नहीं बजा है, तब तो गलत है। देखिए ढोड़ी छीलना और ढोड़ी चटना, यही गाना पूरा रास्ते में कहीं जाइए। खुशी इस बात से हुई त्रिशाकर जी कि आपने कहा नो तो नो, जब आपने कहा मैं ढोड़ी चाटना में और छेदना में काम नहीं करूंगी, यानी नो मींस नो। मुझे देखिए वो वीडियो को अलग तरीके से पेश कर सकते थे, वीडियो को अगर अलग तरीके से पेश करते वो गाना नो डाउट अच्छा रहता। मैं गाने पे शब्द में नहीं जाऊंगी, लेकिन गाना को वीडियो से भी प्रेजेंट किया जा सकता था, ऐसा बहुत गाना है इंडस्ट्री में, आप उठा के देख लीजिए। और मेरे पास दिन में 10-12 गाना आते रहता है, मैं गाना मंगवा के फिर गाना चूज करके जाती हूँ। गाना को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। महिलाओं के ढोड़ी चोली घाघरा पेटीकोट ब्लाउज इन तमाम जैसे शुरू से बनते आया है, इन चीजों पर रोक लगना चाहिए, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? शुरू से सब लगना चाहिए। अब नहीं, जो गाना आज लोग जागरूक हो रहे हैं, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। अच्छा, लगना चाहिए? हम उतना ही बोलेंगे जितना हमारे नॉलेज में है, जानते हैं। देखिए प्रेशर आउट करके तो हम आप मेरे से कुछ बोलवा भी नहीं सकते ना, बुलवाना ही नहीं चाहते। हाँ, तो बात यहाँ पे है, बहुत समझदार है, बहुत ही माइंडेड इंसान है आप, इसलिए माइंडेड नहीं हूँ लेकिन माइंडेड होना पड़ता है, नहीं तो जबरदस्ती कोई मतलब कुआं में धकेल देंगे हमको, हमको इतना लगता है क्योंकि हमसे ज्यादा। एक बार साफ साफ शब्दों में कह दीजिए कि ऐसे ढोड़ी चटना और इनका विरोध, गाना गलत लगे जहाँ गाना गलत लगे वहाँ विवाद होना चाहिए। और मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं ये बोलूंगी, और मेरे हिसाब से इंडस्ट्री चलती नहीं। एक चीज, एक और मेरा कटु सवाल है, अंत का सवाल है, कटु सवाल है, भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे हम अनुपमा यादव की बात कर ले, शिल्पी राज जी की बात कर ले, अक्षरा सिंह की बात कर ले, इतनी बड़ी कहा जाता है भोजपुरी की शेरनी है, इन लोगों का और आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों का वीडियो क्यों वायरल हो जाता है? अरे क्या बोले हम, क्या बोले हम, ठीक है। अभी हमारे साथ त्रिशाकर मधु थी, जिनसे हम तमाम सवालों पर जो है बात कर रहे थे और इनसे जवाब जानने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास हो, बंगाल से आकर एक लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसा अपना जलवा बिखेर देती है, किस तरीके से इनको काम करना चाहिए, ढोड़ी महिलाओं की ढोड़ी और घाघरा के ऊपर जो है वीडियो और जो है गाना क्यों बनता है, पुरुषों के ऊपर क्यों नहीं बनता है, ये तमाम सवाल थे। 8वीं अनुसूची में जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे ही कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी कोई भी आकर गा सकता, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। तो निवेदन है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से जो सांसद बन गए हैं, मनोज तिवारी जी से जो सांसद हैं, इसके बाद रवि किशन जी से जो सांसद हैं, जो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, इनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने आपको
को वो नाम और सम्मान दिया है। तो आठवीं सूची में लाने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं संसद भवन में, पार्लियामेंट में जो है इसके लिए आवाज उठाएं और भोजपुरी का मान और सम्मान बढ़ाने में कृपया करें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। त्रिशाकर जी, आप हमसे जुड़ी, हमारे सच्चे सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा बेबाकी जवाब देती हूँ, लेकिन बस इतना बोलना चाहूंगी कि सोच बदलना चाहिए। और सबसे पहले बिहार और यूपी के जितने भी दर्शक देखते हैं ना, वही दर्शक प्यार देते हैं और वही दर्शक टिप्पणी करते हैं। तो अगर आप सच्चे फैंस है ना, तो सच्चे फैंस क्या हो सकता है? सच्चे फैंस को सवाल पूछने का भी अधिकार है। हाँ, सवाल पूछने का अधिकार है, सच्चे फैंस को सवाल पूछने का भी अधिकार है और सच्चे फैंस को समझने का भी जरूरी है। क्या समझाना चाहते हैं बता दीजिए। आप भी एक नॉर्मल इंसान है, हम भी एक नॉर्मल इंसान है। आप भी चावल रोटी दाल ही खाते हैं और हम भी वही, हम घास भूसा थोड़ी ही खाते हैं, यही गोलवा के आदमी है। तो फिर आपके अंदर भी खून है, आपके अंदर भी मांस है, हमारे अंदर भी वही फीलिंग ही होगा। आपको कोई अगर ज्यादा टॉर्चर करे तो आपको यहाँ से दुख लगता होगा, तो हमारे अंदर भी तो दिल है, हमको भी दुख लगता है। तो कभी यहाँ पे दुश्मनों की कमी नहीं और दुश्मनी के अंदर ही रह के बात विवाद हुआ, इसका मतलब दुश्मन थे आपके लोग सब। ऑब्वियसली दुश्मन नहीं रहेंगे तो, और हर लोगों का आपका सवाल आप करना चाहते थे ना, मैं आपको बताती हूँ।